सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट होता क्या है, ठीक है। एक ऐसी कलेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट की, जैसे हम कार्स की ले लेते हैं, कार्स के मुख्तलिफ नेम्स, उसका सेट, या फिर क्लासेस के नेम का सेट, या फिर किसी वीक जो हम डेज को वीक यूज करते हैं। अब देखिए जिसका एग्जाम्पल है, सबसे पहले मैंने आपको बता दी कि सेट्स होता क्या है, आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, ठीक है। लेकिन उसको आपने एक और बात की, आपने उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा, कर्ली ब्रैकेट क्या होती है, इस तरह वाली जो ब्रैकेट्स होती हैं, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वॉवल वर्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। वॉवल वर्ड्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, यह वॉवल वर्ड्स है। इसको मैं अगर लिख दू कर्ली ब्रैकेट, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंट ले सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया है डेज ऑफ वीक है, ठीक है, आप मुख्तलिफ बुक्स के नेम्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपने एक ही कैटेगरी के सारी वैल्यूज आपने अंदर ले सकती है, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट, ठीक है। अब हमने देखना है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं सेट के, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि सेट है, उसके अंदर जो भी आप वैल्यूज लेते हैं वो उसके एलिमेंट्स के रहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है देखें, मैं लेट कर लेती हूँ, एक सेट है एक्स, ठीक है। इस एक्स के अंदर कोई भी मैं सेट ले लेती हूँ, इसके अंदर कोई वॉवल वर्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब इधर जो ए आई ओ यू है, ये सारे अंदर जो एलिमेंट्स है, ये जो वैल्यूज हैं इसकी, ये क्या कहलाती हैं, एलिमेंट्स कहलाती हैं, या फिर मेंबर ऑफ सेट कहलाती हैं। मेंबर ऑफ सेट एक एक वैल्यू जो होगी इसका एक अलग मेंबर होगा या फिर एक एलिमेंट होगा, ठीक है। टॉपिक आपका सिंबॉलिकल, ठीक है। इसको आपने कैसे लिखना है, जैसा ए है बिलोंग्स टू एस, अब इसका क्या मतलब है, आपको ये जो ई लिखा हुआ ना आपका, क्या आप इसको पढ़ते हैं इस तरह पढ़ेंगे, ए ये इसकी जगह आ जाएगा बिलोंग्स टू, क्या आएगा बिलोंग्स टू, ये फिर आगे एक्स इसी तरह, ठीक है। इस ई की जगह ये आपने ये वाली वैल्यू, ये वर्ड यूज करना है इस ई की जगह, ठीक है। इसका अब ये आपने लिख दिया, अभी इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक्स से बिलोंग कर रहा है, जैसा हमने अभी एग्जाम्पल ली थी वॉवल वर्ड्स की, ठीक है। अब ये जो ए है ना, इसका क्या मतलब है, ये जो ए वाला एलिमेंट है वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक्स के सेट के, ठीक है। ये जो हमने एक्स का सेट लिया था, ये ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस एक्स वाली सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। एक अब ये है, ये ई लिखने के बाद आपने इसके ऊपर अगर नू डैश आ जाती है और ये आता है इस तरह, ठीक है, तो अब ये आ जाएगा ए नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। अब एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं एक्स ले लेती हूँ वन टू, ठीक है। अब ये देखें ए जो है इस एक्स के अंदर तो है ही, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि ए नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। इसकी जगह जो वैल्यू आएगी वो हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे इसी, ठीक है, नॉट बिलोंग्स। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मोस्ट कॉमन मेथड्स। दो तरह के मेथड्स हैं सेट के, फर्स्ट क्या है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दो तरह के आप फॉर्म पढ़ेंगे सेट्स के अंदर, एक क्या है टेबुलर, दूसरी डिस्क्रिप्टिव। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेबुलर क्या होती है। टेबुलर है जिससे हम कोई एलिमेंट्स है, जिससे हमने वॉवल वर्ड्स दिए थे ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ये वर्ड्स हैं, अगर हम इसी तरह जैसे हमने भी सेट्स में मैंने आपको बताया है कि इसको अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं तो ये बन जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म, ठीक है। किसी भी वैल्यू को आप अगर उसको लिख दें कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो वो आपको क्या कहलाती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है। जैसा कोई भी सेट हो सकता है वन टू थ्री, ठीक है, काउंटिंग का ले रहे हैं, डेज ऑफ वीक ले रहे हैं, मंडे ट्यूजडे, ठीक है, इस तरह जो भी सेट होगा वो क्या कहलाएगा, ये इस तरह वो क्या कहलाएगा, जो कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे वो क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है, जिस अगर हमने यहाँ पे लिखा सेट कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, अगर हम जो वॉवल वर्ड यूज किए हैं अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखें तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल वॉवल वर्ड्स, ठीक है। इसको आपने डिस्क्रिप्टिव में क्या करना होता है, एक सेंटेंस
सेंटेंस बनाते ही होता है। जैसे हम ये वॉवल वर्ड्स हम यूज किए थे, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल वॉवल वर्ड्स। ठीक है, इसी तरह हमने ये यूज किया है काउंटिंग, तो ये क्या होगा, सेट ऑफ काउंटिंग फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, हमने इसमें क्या लिया है, सेट ऑफ काउंटिंग लिया है कहां से लेके, फ्रॉम 1 से 3। ठीक है, इस 1.1 के जो क्वेश्चन है हमें इसी टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं जो आज हमने पढ़े हैं। आपने ये एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करनी है और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।